का मामलू है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की तमन्ना करता है, उसके लिए मौत की तमन्ना करता है, तो ये तमन्ना जाएगी, दोनों में फर्क है। इसी वजह से ये फरमाया गया, इन्नल लकीम ला यर्जून लिकाअना व रजु बिल हयात दुनिया व इत्मान बिहा, कि जो लोग अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते वो दुनिया की जिंदगी ही पर राजी हो गए हैं और उसी के ऊपर मुतमईन हो गए हैं, तो दरअसल ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम। अब जाहिर है कि अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद कैसे करेगा आदमी, कैसे करेगा, यही मौत की तमन्ना करेगा कि अल्लाह मौत जल्दी आ जाए ताकि मैं उससे जल्दी मुलाकात करूं। इस तरीके की तमन्ना करना मौत के ताल्लुक से जायज है। वो तमन्ना करना मौत की उस वक्त जब किसी परेशानी हो उस वक्त आराम में मौत की तमन्ना करें, मौत की आराम की करना, दोनों में फर्क है, दोनों सूरतें अलग अलग। और आज कितने लोग हैं जो शिर्क में गिरफ्तार हैं, आप एक बात याद रखिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आदमी के तमाम आमाल बुरे से बुरे हों, कितने ही बुरे क्यों ना हों, अल्लाह माफ कर सकता है। चोर को माफ कर सकता है, शरारी को माफ कर सकता है, जानी को माफ कर सकता है, लेकिन मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। और जानते हैं रस्ते शिर्क के ऊपर कुरान हकीम में बेशुमार कराई दिए गए हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं सबसे बेहतरीन तरदीब शिर्क की मौत है। शिर्क का सबसे बड़ा रस मौत करती है। शिर्क यही तो है कि आदमी जिंदा था, उसके बाद उसे कब्र में दफन कर दिया गया। अब कब्र में दफन कर दिए जाने के बाद लोग उसके पास अपनी हाजतें ले जाते, बाबा मैं बड़ा मुसीबत में हूं, मेरी मुसीबत दूर कीजिए, बाबा मेरे लड़का ने ये लड़का दीजिए, बे औलाद हूं औलाद कीजिए, फला मुश्किल में हूं मुश्किल गुजारी कीजिए, फला परेशानी में हूं बाबा मेरी परेशानी दूर कीजिए। कब्र में दफन करने के बाद कब्र वालों के यही तो लोग जा जाकर मांगते हैं, इसी को शिर्क कहते हैं, यही शिर्क है। गैरुल्लाह से माँ को अलग-अलग तरीके से मांगना यही शिर्क है। जबकि मौत ने बता दिया था, मौत ऐसी चीज थी जिसने जहनों की खिड़कियां खोल दी थी, और बात है कि जहनों के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, जहन खुले नहीं, वरना मौत ही जहन की खिड़कियां खोलने के लिए काफी थी कि ये वही आदमी है। दम भी दिया गया तो ये कब्र में जाने के लिए खुद मोहताज था, ये खुद नहा नहीं सकता था, खुद चल नहीं सकता था, खुद दफन नहीं हो सकता था, मर गया बेहिस्सो हरकत हो गया। अब इसको नहलाने के लिए दूसरे आदमियों की जरूरत है, नहलाएंगे नहीं तो दूसरा नहल, दूसरा अगर नहलाया नहीं तो ये आदमी खुद नहीं नहा सकता। अच्छा दफन होने के लिए जरूरी है, मसनून है, सुन्नत है कि आदमी को नहलाया जाए, मुर्दे को नहलाया जाए। बाबा तो मर गए हैं, जिंदा से घर तो खुद नहा लेते थे, अब मर गए जिंदा से घर तक चलकर कहीं जा सकते थे, मर गए हैं अब इनको सुन्नत के मुताबिक नहलाना है, कफनाना है, तफनाना है, दूसरे लोग उनको नहलाते, दूसरे लोग उनको नहला करके वजू करवाते, दूसरे लोग उनको कफन देते हैं, दूसरे लोग उनको चारपाई के ऊपर उठा करके कब्रिस्तान ले जाते हैं, दूसरे लोग हाथ को कब्रिस्तान पर रखते हैं, जमीन पर रखते हैं, और दूसरे लोग कब्र खोदते हैं, दूसरे लोग इस आदमी को जो मर गया है इतना ही नेक क्यों ना हो इसको उठा करके कब्र में दाखिल करते हैं, दूसरे ही लोग मिट्टी बराबर करते हैं, दूसरे ही लोग खड़े होकर के उसकी कब्र के ऊपर दुआ करते हैं और मिट्टी बराबर करने के बाद चले आते हैं। अब मैं पूछता हूं कि मौत ने क्या क्या बातें तुम्हें बता दी कि ये आदमी नहा नहीं सकता था, नहा नहलाने में दूसरों का मोहताज, कपड़ा पहनने में दूसरों का मोहताज, कपड़े उतरने के लिए दूसरों का मोहताज,
कब्रिस्तान में जाने के लिए दूसरों का मुताबिक कब्र में जाने के बाद मुख्तारे खुद से हो गया, सब कुछ देने के लगा, बेटा देने लगा, बेटी देने लगा, परेशानी दूर करने लगा, मुसीबतों में काम आने लगा। अरे जहाज की तस्वीर नहीं सकता था, कपड़े उठ नहीं पड़ सकता था, कब्रिस्तान में जा नहीं सकता था, यह मिट्टी के नीचे गया, सब कुछ देने लगा। तो मौत शिर्क का रद्द करने में सबसे बड़ी दलील की हैसियत रखती है, इससे बड़ी दलील और कोई नहीं हो सकती। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये कह दिया गया, इन्नक मस्जिदुन व इन्नहुम मस्जिदुन। ऐ हमारे नबी, आप भी मौत से दो चार होने वाले हैं और ये लोग भी मौत से दो चार होने वाले हैं। अब बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी ठीक हो गए, आपका इंतकाल भी तीन ही होगा। जन्नतुल बकी में एक आदमी को दफनाने के बाद, एक आदमी के जनाजे की शिरकत के बाद जब आप लौटे तो आपके सर में पहले दर्द हुआ और सर का दर्द इतना बढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े को भिगा करके पट्टी बांधी। यही से समझिए मरदुल मौत का आगाज हुआ। 13-14 दिन तक आप मरदुल मौत नहीं पाए। और अगर फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात में किस कदर परेशानी का इजहार फरमा रहे थे कि आपके सामने पानी का प्याला रखा हुआ था, आप बार बार अपनी उंगलियां, अपनी मुबारक उंगलियां पानी के प्याले में डालते थे और चेहरे के ऊपर पानी लगाते थे और फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नदी को की सकरात, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मौत की शक्तियां, मौत की शक्तियां बहुत ही जबरदस्त है और मौत के लिए बहुत सी शक्तियां हैं, एक शक्ति नहीं बहुत सी शक्तियां। बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की शक्तियां बर्दाश्त करी और जब आपका इंतकाल हो गया, रूह का बदन सुई से परवाज हो गई, आपको कपड़ा ओढ़ा दिया गया,